मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी सलाम। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की गवाही बताने जा रहे हैं जो कि पहले एक हिंदू प्रचारक थे और अपने धर्म के प्रति बहुत ही धार्मिक और कट्टर थे। वह प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु के लोगों से बहुत ही नफरत करते थे। वह हर चर्च के सामने थूक कर जाते थे और बाइबल को जला दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों के परमेश्वर हैं और ये हिंदुओं को पैसे देकर ईसाई बना रहे हैं। आज हम आपको ब्रदर इवेंजलिस्ट राम बाबू जी की गवाही बताने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया और इनको अपनी सच्चाई से रूबरू कराया। राम बाबू जी एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी एक कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और इनकी माताजी भी इंग्लिश की टीचर थी। इनके दो भाई बहन हैं। बचपन से ही इनकी दादी माँ इनको पौराणिक कहानियाँ सुनाया करती थी। वो बताती थी कि हम शरीर में होकर भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण बनाए। सभी भगवान ब्राह्मणों के अंदर वास करते हैं। राम बाबू बचपन से ही हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक थे। वो हर दिन और हर रात पूजा अर्चना किया करते थे। लोग भी इनको अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुलाया करते थे। राम बाबू बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मणों को छोड़ किसी के घर की चीज नहीं खाते थे। राम बाबू जी के माता पिता यह मानते थे कि सारे धर्म एक हैं और सारे भगवान भी एक ही हैं, पर राम बाबू प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे और ईसाई लोगों को वो जरा भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो चर्च के सामने हमेशा थूक कर जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का धर्म है। इनके पिताजी ने इनको बहुत समझाया कि यह अच्छा नहीं है कि तुम किसी के भगवान और उनके धर्म को गालियां निकालो, पर राम बाबू जी ने इन बातों की ओर ध्यान ना दिया और वो यह मानते थे कि क्रिश्चियनिटी उनके धर्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार गिडियंस मिनिस्ट्री बाइबल को लोगों में बांट रही थी और राम बाबू जी ने बाइबल को लेकर उसको जला दिया और जलाकर उसको आसमान की ओर उड़ाकर कहने लगे कि क्यों तुम्हारे ईसाइयों का परमेश्वर बाइबल को जलने से बचा नहीं रहा। और राम बाबू जी ने क्रिश्चियंस को बहुत गालियां भी दी। जब राम बाबू जी थोड़े बड़े हुए तो धीरे धीरे वे धूम्रपान और शराब का नशा करने लगे और इन चीज़ों की लत उनको लगने लगी और वह बहुत ही बीमार और कमज़ोर हो गए। उन्होंने अपनी क्लास के लेक्चर लगाने बंद कर दिए और सभी सब्जेक्ट्स में फेल होने लगे। इनके घर वालों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए राम बाबू जी ने अपने आप को बहुत से पंडितों और बाबाओं को दिखाया, पर वो सब इनको ठीक ना कर सके और राम बाबू जी बहुत ही निराश रहने लगे। एक बार ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और नामी बाबा के पास गए और राम बाबू जी ने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया। फिर बाबा ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं और उन बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। राम बाबू जी हैरान होकर कहने लगे कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का जीवन तब ही मिलता है जब किसी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों। तो फिर राम बाबू जी ने बाबा से कहा कि वो पिछले जन्म में क्या थे कि उन्होंने बुरे कर्म किए, पर इस पर बाबा ने उनसे कहा ये कोई नहीं जानता, पर अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। राम बाबू जी वहां से निराश होकर चले गए और उदास रहने लगे। फिर राम बाबू जी ने ट्यूशंस लेनी शुरू कर दी, क्योंकि वो कॉलेज में फेल हो गए थे। जब
ये कॉलेज जाते थे तब रास्ते में एक चर्च आता था। एक दिन उन्होंने चर्च में एक प्रार्थना सभा देखी और उन्होंने सुना कि लोग तालियां बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तब राम बाबू जी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि क्रिश्चियंस सिर्फ दूसरों का धर्म बदलकर अपने धर्म में ले आते हैं, वो पैसे देकर और फ्री का खाना बांटकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तो वे चर्च के सामने थूक कर वहां से कॉलेज को चले गए। उस दिन उनकी सिर्फ एक क्लास थी, सो वो जल्दी कॉलेज से आ गए। जब वो घर आ रहे थे तब वो फिर उस चर्च के सामने से गुजरे और क्या देखा कि प्रार्थना सभा अभी भी वहां चल रही है और राम बाबू जी बहुत ही चिढ़ने लगे। उसी समय एक बात उनके दिमाग में आई कि वह चर्च के अंदर जाकर कुछ लोगों को सताएंगे। तब वे चर्च के अंदर चले गए। इससे पहले वो कभी भी चर्च नहीं गए थे। चर्च में जाने के बाद वो आखिरी बेंच पर बैठ गए तो उन्होंने छोटे छोटे पत्थर लोगों पर फेंकने शुरू कर दिए, पर सभा फिर भी चलती रही। सभा के आखिर में पास्टर ने सबको प्रार्थना करने के लिए कहा और कुछ समय के लिए वहां शांति हो गई और उस शांति ने राम बाबू जी को डरा दिया। ये डर के मारे कि वो लोगों पर पत्थर फेंक रहे थे कि उन्हें पकड़ ना ले, तो वो भी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में पास्टर ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और पास्टर ने ये भी कहा कि प्रभु यीशु ही जीवन है और अगर किसी को कोई बीमारी है, दुख है और जीवन में निराशा है तो परमेश्वर के पास आए, केवल प्रभु यीशु ही उनको चंगा कर सकता है। ये बात सुनकर राम बाबू जी को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगे कि यह पास्टर ऐसे कैसे कह सकता है कि प्रभु यीशु हर बीमारी को चंगा कर सकता है। तो इस बात को परखने के लिए वो अपने मुस्लिम मित्र की बहन को, जो कि गूंगी थी, उसको अगले दिन चर्च में ले आए। और राम बाबू जानते थे कि उसके मुस्लिम मित्र की बहन ने बहुत जगह से इलाज करवाया, पंडितों बाबाओं को भी दिखाया, पर वो ठीक नहीं हो पाई। और वो देखना चाहते थे कि ये पास्टर प्रार्थना के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। चर्च में जाकर राम बाबू जी और उसके मित्र की बहन पहली सीट पर बैठ गए और प्रचार सुनने लगे। प्रचार में पास्टर ने कहा कि हम सब ने पाप किया है और हमें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, पर परमेश्वर हम सब से बहुत प्यार करते हैं और उसने वो सजा जो हमको मिलनी चाहिए थी उसको अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, बीमारियों को, गरीबी को, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। राम बाबू जी ने ऐसी बात और प्रचार अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। वो चौंक गए क्योंकि वो कर्मों पर विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यह प्रचार उनके लिए कुछ नई बात थी। वो सोच रहे थे कि कोई मेरे पापों के लिए कैसे मर सकता है। उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। प्रचार के आखिर में पास्टर ने कहा कि अगर कोई चंगाई लेना चाहता है तो सामने आए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तब राम बाबू जी और उनके मित्र की बहन खड़े हुए और आगे गए। तब पास्टर ने उनसे पूछा कि तुम विश्वास करते हो कि प्रभु तुम्हें चंगा कर सकता है। राम बाबू जी ने यह परखने के लिए कि देखते हैं कि प्रभु यीशु मेरे मित्र की बहन को चंगा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हाँ कहा। फिर पास्टर ने
उनके दोस्त की बहन के लिए प्रार्थना की कि वो बोलने लगे, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। तब पास्टर ने कहा, निराश मत होइए, कल फिर तुम चर्च आना। राम बाबूजी ने सोचा कि एक दिन चर्च और जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन शाम को राम बाबूजी और उनके मित्र की बहन फिर चर्च में गए। वो फिर पहली सीट पर बैठे और उन्होंने प्रचार सुना, और प्रार्थना के अंत में जब पास्टर ने उन्हें आगे बुलाया तो राम बाबूजी और उनके मित्र की बहन आगे गए। तब पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की और यह घोषणा की कि प्रभु यीशु के नाम में एक गूंगी आत्मा बाहर निकला, उस बहन के शरीर को छोड़कर चली जा। प्रार्थना के बाद पास्टर ने उस बहन से कहा कि प्रभु यीशु कहो। तब वो बहन चिल्ला कर बोली, प्रभु यीशु। तब राम बाबूजी हैरान रह गए और मानो कि उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब वो सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, तब उस बहन ने राम बाबूजी का नाम भी लिया। यह चमत्कार था जिसके सारे गवाह थे। तब पास्टर ने राम बाबूजी से कहा कि प्रभु यीशु के नाम में हर पाप और हर बुरी आदत तुम्हें छोड़कर जाए। राम बाबूजी वहां कुछ नहीं समझ पाए और सोचने लगे कि कैसे ये पास्टर मेरे संघर्ष और मेरी जिंदगी के बारे में जानता है। उस रात राम बाबूजी को नींद नहीं आई। वो ये ही सोची जा रहे थे कि गूंगी कैसे बोल सकती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं प्रभु यीशु को शुरू से ही नफरत करता हूँ और उनको गालियां निकालता हूँ, पर उन्होंने इतने बड़े चमत्कार किए और मेरे संघर्ष के बारे में भी बताया, और आज तक मैंने इतने भगवानों की पूजा की पर वो ऐसे चमत्कार नहीं कर पाए। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में आ रहा है। तब उन्होंने पास्टर के वचनों को याद किया और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को माफ करें और मेरे जीवन में आए और मेरे उद्धारकर्ता बने। उसी दिन राम बाबूजी ने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दी। उस दिन तारीख 21 जनवरी 1983 थी। इस प्रार्थना सभा के बाद उनका जीवन बदल गया। जब ये बात उन्होंने अपने घर वालों को बताई कि वो दूसरे भगवानों को नहीं मानेंगे, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, तब उनके घर वाले उनसे बहुत नाराज हुए और उनको घर से निकाल दिया। तब उनके धर्म के सभी लोग उनको मूर्ख कहने लगे कि इतनी बड़ी जायदाद को छोड़कर और अपने घर वालों को छोड़कर उन गोरों के परमेश्वर को मानने लगा है। पर राम बाबूजी ने प्रभु यीशु पर भरोसा रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको एक लेक्चरर की अच्छी जॉब मिली और 1989 में उनको परमेश्वर की बुलाहट हुई कि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री स्टार्ट करें, और उन्होंने वैसा ही किया। वो न्यू क्रिएशन मिनिस्ट्रीज के संस्थापक हैं, जो कि इंडिया में कर्नाटका के बेल्लारी शहर में है। आज वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को बचाया है। परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए जगह जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थी ब्रदर इवेंजलिस्ट राम बाबूजी की गवाही। इसमें हमने देखा कि परमेश्वर से नफरत करने वालों को भी प्रभु प्यार करते हैं और प्रभु उनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह गवाही आपके जीवन में कार्य करे और विश्वास को और भी मजबूत करे। सबको जय मसीह की।